भारतीय पंजाबी फिल्मों की मारूफ अदाकारा सोनम बाजवा ने इंकशाफ किया है कि फवाद खान उनके पसंदीदा अदाकार हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। साबिक एयर होस्टेस, मॉडल और बॉलीवुड पंजाबी अदाकारा सोनम बाजवा अपनी खूबसूरती और बोल्ड लिबास की वजह से भारत में शोहरत रखती हैं, जबकि उन्हें भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार की हैसियत हासिल है। हाल ही में उन्होंने भारतीय प्रोग्राम टब्बर हिट में शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपने करियर के हवाले से दिलचस्प बातें की। दौरान प्रोग्राम जब मेजबान ने उनसे पूछा कि सोनम बाजवा बहुत से लोगों का क्रश है, लेकिन आपका क्रश कौन है, सवाल के जवाब में सोनम बाजवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्रश तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन फवाद खान मेरे हमेशा क्रश रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अदाकारा ने कहा कि फवाद खान हमेशा मेरे पसंदीदा क्रश रहेंगे। ये पहली बार नहीं कि सोनम बाजवा ने फवाद खान की तारीफ की या पसंदीदगी का इजहार किया। इससे कबल 2022 में भी उन्होंने कहा था कि अगर फवाद खान शादीशुदा ना होते तो वो जरूर उनसे ताल्लुकात इस्तवार करती। मेजबान के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो जिस शख्स से अफेयर करना चाहती हैं उनका नाम उनके दिल में एक राज की तरह मौजूद है, वो उनका नाम नहीं बताएंगी। अगर फवाद खान शादीशुदा ना होते तो वो उनसे जरूर अफेयर चलाती, उनसे ताल्लुकात इस्तवार करती और मुलाकातें भी करती। यही नहीं बल्कि भारतीय अदाकारा ने इससे कबल पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली की भी तारीफ की थी। सोनम बाजवा ने बीबीसी के सहाफी हारून राशिद के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं सजल अली की बहुत बड़ी मद्दा हूँ, वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि मैंने सजल से बहुत कुछ सीखा है, वो शानदार काम करती हैं, वो इस दौर की बेहतरीन और शानदार अदाकारा हैं। वाज़ेह रहे कि सोनम बाजवा ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा भारतीय पंजाबी फिल्मों में काम किया है, जबकि उन्होंने स्ट्रीट डांसर 3 और बाला समेत दीगर बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।